नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि गोली लगने के बाद में लगातार निधि अभी भी घर वालों को भड़का रही है प्रीता के खिलाफ। प्रीता को गोली लगती है लेकिन प्रीता के आने से हमेशा इस घर को नुकसान हुआ है और करण को गोली इसीलिए लगी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऋषभ और साथ में काव्या करण की अच्छे होने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्रार्थना करना जरूरी है करण के लिए, क्योंकि करण के लिए पूरा घर इस समय तड़प रहा है कि आखिरकार करण के साथ में ये हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर निधि बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि ये सब कुछ निधि का प्लान था। वो गुंडे निधि के थे जो कि वो प्रीता को मारना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रीता ने सोचा, सॉरी निधि के गुंडे थे जो प्रीता को मारना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर निधि ये सोच रही है कि किसी भी तरीका से घर वालों को पता नहीं लग पाएगा। लेकिन दोस्तों आखिरकार पता लग के ही रहेगा, क्योंकि निधि को जल्दी ही इस घर से भी निकाला जाएगा। निधि ने सोचा था कि मेरे बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही प्रीता भी बताएगी उसके बारे में और राजवीर भी बताएगा कि हाँ निधि कितनी ज़्यादा खतरनाक है और इसके गुंडे के साथ में किस तरीका से लिंकअप है। क्योंकि निधि एक ऐसी शख्सियत है कि जो जितना हो सकता है वो गुंडों के साथ में लिंकअप करने की कोशिश करती है। उसे पता है कि कब क्या कैसे और सब कुछ क्यों करना है। आप लोग जानते ही हैं कि निधि ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि जो मैं करूँगी किसी को कानों कान खबर नहीं होने दूंगी और मैं इस घर को, लूथरा परिवार को, प्रीता को बर्बाद करके ही जाऊँगी यहाँ से। क्योंकि दोस्तों ये निधि बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि करण आज भी प्रीता से प्यार करता है और ये मेरे से कभी नहीं करेगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि मैं इस घर से जाऊंगी तो ज़रूर, लेकिन इस घर को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद ही मैं इस घर से जाऊंगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।